हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल असीमित गुप्त फैन फिक्शन। स्टेप बादर का पार्ट टू स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग और शंकु कैसे ही अपनी डे बिता रहा था। शंकु गुस्से तंग के सन को बहुत बड़े समझाने की ट्राई कर चुका था कि उसे डैड बुलाए, क्योंकि शंकु को ये अच्छा लग रहा था, क्योंकि जबकि उसके चाइल्ड नहीं है तो फिर उसके लिटिल ब्रदर के चाइल्ड है, तो फिर ऑब्वियसली उसके भी कहीं ना कहीं तरह से है। और इस वजह से शंकु उसे मनाने की ट्राई कर रहा था, पर वो शंकु की तरफ गुस्से से देखते हुए पाउट करके कहते, बट आप मेरे डैड नहीं है, मैं कैसे आपको डैड कह सकती हूँ। तब शंकु तुरंत कहते हैं, मैं तुम्हारी मॉम के ब्रदर हूँ ना, तो फिर तुम मुझे बुला सकते हो। तब तन पाउट करते हुए कहते, बट मैं आपको डैड कैसे बुलाऊंगी, अगर आप मेरी मॉम के ब्रदर है तो फिर मैं आपको मॉम बुलाऊँ। तब ये सुनकर शंकु शॉक हो जाता है और तुरंत कहते, बट मैं तुम्हारी मॉम की तरह बॉटम पर नहीं हूँ। तब त्यन कहते हैं, तो फिर बॉटम में कौन है और बॉटम क्या होता है। तब ये सुनकर शंकु जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते, कुछ नहीं है, बस तुम मुझे डैड बुलाओगे, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम के ब्रदर हूँ। तब तंग पीछे से अपने कोल वॉइस में कहते, शट अप शंकु, मेरे सन को इस तरह की बातें सिखाना बंद करो। तब शंकु तंग की तरफ देखता है और कहते, प्लीज तंग, बस मैं उसे बोल रहा था, ऐसे भी हो तो मेरी सन नहीं है ना, तो फिर मैं कहाँ पर उसे अब फोर्स कर सकती हूँ, पर मैं सच में शांत हूँ, तुम्हारी सन है तो फिर मेरी लिटिल ब्रदर के सन, तो फिर मेरा भी ना। तब तंग कहते, जो नहीं है वो मत बोलो, और अगर तुम्हें सच में एक शाल की ज़रूरत है तो फिर अपने खुद की फियांसे के पास जाओ और उसे जाकर बोलो कि वो तुम्हें दे देगा। तब ये सुनकर शंकु पाउट करने लगता है और कहते, पर वो मुझे नहीं देगा, और ऐसे भी मैं उसे उतनी भी ज़्यादा लाइक नहीं करती हूँ, सिर्फ एक बिजनेस मैरिज और कुछ भी नहीं। ये सुनकर तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते, ओके हूँ, मैं टायर्ड हूँ, प्लीज़ मेरे सन को इस तरह से इरिटेट मत कीजिए, उसे नहीं पसंद ये सब कुछ, वो किसी को भी डैड नहीं कहता है क्योंकि वो सिर्फ अपने डैड के लिए वेट कर रहा है। तब शंकु गुस्से में आते हुए कहते हैं, और तुम उसे ये सब कुछ करने दे रहे हो, लाइक सीरियसली, उसकी डैड एक बास्टर्ड है जो तुम्हें चाहता तक नहीं है, और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल तुम्हारे सन को भी वो नहीं चाहता है, सच में कोई कैसे ये सब कुछ कर सकता है, मुझे तो ये सोचकर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अगर एक बार मुझे वो मिल जाए तो फिर मैं उसे मार डालूंगी मेरे लिटिल ब्रदर को हर्ट करने के लिए। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ बंद कीजिए। तब शंकु कहते हैं, मैं क्या बंद करूँ, मुझे सीरियसली बोलो, क्या तुम्हें ये सब कुछ ठीक लगता है, तुम हार्ट फील हो रहे हो, पता नहीं तुम जब अदर कंट्री में थे तो फिर कौन सी पर्सन तुम्हारे साथ ये सब कुछ करके गया है और तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल कर गया है, और तुमने क्यों उसे टच करने दिए थे खुद को, तुम्हें पहले उससे शादी करना चाहिए था, उसे खुद के साथ पहले एक फील कराना चाहिए था कि तुम दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस हो, पर तुम ऐसा क्यों नहीं किए। तब तंग शंकु की तरफ देखकर अपने काम वॉइस में कहता है, क्योंकि मुझे पता था वो कभी भी मेरा नहीं हो सकता है, इसी वजह से मैं ऐसा किया था। तब शंकु कॉन्फ्यूज होकर कहता है, अगर पता था कि वो तुम्हारी नहीं हो सकता है तो फिर तुम क्यों उसे खुद को ट्रस्ट करने दिए थे। तब तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और अभी भी करती हूँ, फ्यूचर में भी करूँगी, वो किसी और के साथ रहे या तो ना रहे मैं क्या नहीं करती हूँ, पर मैं करते रहूँगी हमेशा ही जैसा मैं ऑल टाइम क्या था। शंकु के सुनकर एक लंबा सांस तोड़ता है और कहते हैं, मैं तुम्हारे स्टबन दिल के लिए मैं क्या करूँ, जिसमें तुम कभी भी बदल नहीं सकते हो, तुम्हें उस पर्सन से मूव ऑन करके किसी को ढूंढ लेना चाहिए जो तुम्हें हैप्पी रख सकता है, पर नहीं तुम तो ऐसा नहीं करोगे, तुम अपने सन को भी हार्ट करना चाहते हो और खुद भी हार्ट होना चाहते हो। तब तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते, मुझे इस टॉपिक पर बातें करना पसंद नहीं है, प्लीज़ इस टॉपिक पर हम लोग बातें करना बंद करें, क्योंकि ये सब कुछ सब मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, और अगर आप फिर से इस बारे में बातें करना चाहते हैं तो फिर मैं नहीं करना चाहते हो, मुझे सिर्फ हार्ट फील होता है क्योंकि जल्दी ही उसकी शादी होने वाला है। तब ये सुनकर शंकु शॉक हो जाता है और कहते, हो कहाँ पर है, मैं उसके साथ मिलूँगी और मैं उसे ज़रूर सबक सिखाऊँगी, मुझे बोलो। तब तंग कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हैप्पी हूँ मेरे सन के साथ, वो मेरी वर्ल्ड है और मैं उसकी वर्ल्ड हूँ। तब त्यन बीस में से कहते, तो फिर डैड हमारे साथ कभी भी नहीं मिलेगा। तब तंग स्माइल करता है और उसके बालों को मैस करते हुए कहता है, वो क्या इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में, मैं क्या इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, अब बंद करो ये सब बातें क्योंकि मुझे और पसंद नहीं आ रहा है। तब त्यन पाउट करते हुए कहता, अब हमेशा ही ऐसा कहते हैं। तब
शंकू ख्याति से ले मैं कह रहा था कि तुम मुझे डैड बुलाओ, मैं हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। तब तंग गुस्से से चिल्ला कर कहता मेरी हस्बैंड है। तब शंकू चुप हो जाता है और कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ देखता है। तब तंग गुस्से से चिल्ला कर कहता है अगर अब मेरी हस्बैंड नहीं है तो फिर इस बारे में बातें मत कीजिए, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ मुझे इस टॉपिक पर बातें नहीं करना है, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ट फील कर रही हूँ और यहाँ पर आप और त्यान दोनों ही मुझे अब बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा हार्ट कर रहा है, मैं और नहीं चाहती हूँ प्लीज़। और ह्यूंग अब प्लीज़ इसे क्या बंद कर सकते हैं, आपको क्यों उसकी डैड बनना है, लाइक सीरियसली नहीं बनना है आपको, आपको अगर बनना है तो फिर आपकी फ्यूचर वाइफ के पास जाइए, उसके पास जाकर एक शैल अभी मांग लीजिए, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। पर यहाँ पर अब प्लीज़ मेरी फीलिंग के साथ मत खेलिएगा, मुझे नहीं पसंद क्योंकि ये मेरी माइंड को डे बाई डे खा रहा है और आप जो ये सारे बातें कर रहे हैं ये मुझे और भी ज़्यादा हर्ट कर रहा है, तो फिर प्लीज़ स्टॉप इट ह्यूंग, जस्ट स्टॉप इट, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि आप मेरी बिल्कुल भी हस्बैंड ना तो है ना तो लवर है, तो फिर उसके डैड बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तब ये सुनकर चंकू चुप हो जाता है और अपनी धीमी आवाज में कहता है आई एम सॉरी तंग, मैं दोबारा से नहीं कहूँगी। तब तंग उस पर करके कहता है थैंक यू, दोबारा से करना भी मत। तब जंगू के एक लंबा सांस सोता है और कहते चलो लंच करते हैं। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो लोग लंच करने के लिए चला जाता है। फिर तंग लंच करने के बाद जंगू तंग को कहते मैं तुम्हारी सन को लेकर क्या बाहर जा सकती हो ऐसे ही घूमने के लिए। तब तंग जो थोड़ा सा सोचने लगता है तब जंगू कहते प्लीज मुझे इसके लिए तो अलाउ कर दो। तब तंग कहते ओके ह्योंग आप जा सकते हैं। तब जंगू स्माइल करता है और उसके बाद वो त्यान को लेकर घर से बाहर चला जाता है। तब त्यान जंगू के हाथ को पकड़ते हुए चल रहा था। तब जंगू त्यान को कहता है तुम सच में तुम्हारी मम की तरह हो। तब त्यान कॉन्फ्यूज होकर कहता है क्यों मैं मम की तरह क्या क्या हूँ, मैं तो डैड की तरह हूँ, मम मुझे हमेशा कहता है। तब जंगू कहता है नो 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 तुम बिल्कुल भी अपनी डैड की तरह नहीं हो, तुम अपने मम की तरह ही हो, मैं उसके बिहेवियर को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ। तब त्यान पाउट करने लगता है। तब जंगू कहता है तुम खुद भी जो अपनी मम की तरह ही हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पाउट करते हो। तब ये सुनकर त्यान कहता है तो फिर क्या हुआ, पाउट करने से क्या होता है, और मेरी मम कहते हैं मेरी डैड इससे भी ज़्यादा पाउट करता है। तब जंगू की एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है मैं तुम्हारी उस डैड को मार डालूंगी। तब ये सुनकर त्यान पाउट करते हुए कहते पर कि उसने कुछ भी नहीं किया है, अब सिर्फ और सिर्फ मेरी डैड को ब्लेम करते हैं। तब ये सुनकर जंगू की एक लंबा सांस तोड़ता है और अपनी इसको रोल करते हुए कहते हैं जो मेरी लिटिल ब्रदर को हर्ट करेगा तुम्हें क्या लगता है मैं उसे पसंद करूँगी। तब त्यान पाउट करते हुए कहते हैं तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे डैड कुछ भी नहीं किया है। तब जंगू के एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है ओके ओके अब चलो, और जंगू त्यान को लेकर पार्क में चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद जंगू पहले त्यान के साथ ऐसे ही बैठा हुआ था और उसके साथ कैजुअल बातें कर रहा था और त्यान जो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा था। तब जंगू त्यान को पाउट करते हुए अपनी स्वीट वॉइस में कहता है देखो मैं तुम्हें फिर से समझा रही हूँ, मैं एक तरफ से तुम्हारा डैड हूँ। तब त्यान एक लंबा सांस लेता है और कहता है अब नहीं हम। तब जंगू कहते मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगी अगर तुम मुझे डैड बुलाओगे तो। तब त्यान कहते सच में। तब त्यान जंगू कहते 100% मैं तुम्हें आइसक्रीम की शॉप बाय करके दे सकती हूँ अगर तुम चाहते हो तो। तब तुरंत त्यान कहते सच में देंगे ना, मुझे फुल शॉप ही चाहिए। तब जंगू कहता ओके। तब त्यान मान जाता है। तब जंगू कहता है मुझे तो फिर डैड बोलो और बोलो कि डैड मुझे आइसक्रीम चाहिए तो फिर मैं दूंगी, वरना मैं नहीं दूंगी, तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो फिर सिर्फ मुझे डैड बुलाओ उसके बाद मैं तुम्हें हर एक चीज़ दूंगी। तब त्यान जो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे अजीब सा फील हो रहा था, फिर त्यान स्माइल करते हुए जंगू को हक कर लेता है और उसकी नेक त्यान अपने हाथ को ग्रैब करते हुए अपनी स्वीट वॉइस में कहता है डैड मुझे आइसक्रीम बाय करके दीजिए। तब जंगू खुद भी उसे हक कर लेता है और स्माइल करते हुए कहता है मेरे सन के लिए कुछ भी, और जंगू को उसे गोद में उठाते हुए उसे लेकर जल्दी से एक आइसक्रीम शॉप की तरफ जाने लगता है। फिर जंगू को उसे लेकर आइसक्रीम शॉप में जाने के बाद त्यान को जितनी ज़्यादा आइसक्रीम चाहिए था वो हर एक चीज़ दे देता है। तब त्यान जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और उसके बाद जंगू को और त्यान घर में आ जाता है। घर में आने के बाद त्यान त्यान और जंगू को देखकर स्माइल करके कहते तुम दोनों एंजॉय किए थे। तब त्यान हमें अपने सिर हिलाता है। तब तंग अपने काम वॉइस में कहते तुम शकर क्या क्या किए थे। तब त्यान
अपनी बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ में क्या था, हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए थे। तब ये सुनकर जंगकुक की तरफ तंग अपना आईब्रोस रेस्ट करके देखने लगता है और कहते तुम उसे आइसक्रीम दिए थे। तब जंगकुक कहते इसमें क्या प्रॉब्लम है। तब तंग की फेस अचानक से गुस्से से लाल हो जाता है और तंग तुरंत तियान को जंगकुक की गोद से ले लेता है और उसे लेकर जल्दबाजी में रूम की तरफ जाता है और उसे बेड पर बैठा तो है गुस्से से चिल्ला कर कहता है मैं तुम्हें कितनी बार मना किया था कि आइसक्रीम मत खाना। और उसके साथ तंग जल्दी से अपनी क्लोजेट में ये ढूंढने की ट्राई करता है कि वो जो अपने साथ मेडिसिन लेकर आया था वो कहाँ पर है। और तंग जो बहुत सारा ढूंढने के बाद क्लोजेट में नहीं पाता है तब वो लगेज में फिर से एक बार देखता है तब उसे मिल जाता है। तब तंग जल्दबाजी में आकर तियान को मेडिसिन देते हुए कहते इसे जल्दी से पियो। तब तियान जो एक लंबा सांस तोड़ता है और कुछ बोलने की ट्राई करता है। तब तंग गुस्से से कहते सिर्फ मेडिसिन लो। तब तियान चुपचाप मेडिसिन ले लेता है। तब तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते अब बेड पर लेटे रहो और तुम नहीं उठोगे। तब तियान अपने शेकिंग वॉइस में कुछ बोलने की फिर से ट्राई करता है। तब तंग कहते तुम्हें गले में पेन होगा चुपचाप लेटे रहो। तब तियान चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है। तब तंग उसके ऊपर दुपट्टा उड़ा देता है और तंग भी उसके साथ ही लेट जाता है क्योंकि तंग ये बहुत ज़्यादा क्लियरली जानता था कि उसके सन यहाँ से जरूर उठ कर आसपास घूमने लगेगा जो तंग बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तब जंगकुक जो सब कुछ देख रहा था फिर वो सोले सोले खुद भी बेड पर आ जाता है और वो तियान के पास लेट कर तंग की तरफ देख कर अपने धीमी आवाज में कहता है क्यों हुआ है तुम इतनी ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो सिर्फ आइसक्रीम ही तो खाया था। तब तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है ह्यूंग प्लीज़ दोबारा से ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आई नो कि आपको कुछ भी पता नहीं है इसी वजह से आपने उसे आइसक्रीम दिए थे पर दोबारा से ऐसा मत करना क्योंकि आइसक्रीम खाने के बाद उसे अपने गले में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है और इस वजह से वो बातें भी नहीं कर पाता है और अगर वो ज़्यादा ऐसा करने की ट्राई करेगा तो फिर उसे और भी ज़्यादा पेन होगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इस वजह से सफ़र करे और उसके साथ उसे फीवर भी आ सकता है। इसी वजह से मैं पहले ही मेडिसिन लेकर आया था क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा ना कुछ होने ही वाला है और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर वो मेडिसिन मिलेगा भी या फिर नहीं जो उसकी पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से इफ़ेक्ट करता है। तब जंगकुक ये सुनकर जो अब समझ पाता है कि तंग तब क्यों इतनी ज़्यादा गुस्से में था। फिर जंगकुक कहता हम सॉरी तंग दोबारा से मैं ऐसा नहीं करूँगी। तब तियान अपनी शेकिंग वॉइस में कहता डैड प्लीज़ सॉरी मत बोलिए। तब तंग जो तियान की वॉइस को सुनकर वो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है तियान क्या डैड कह रहा था पर वो सोचता है शायद वो डैड नहीं कह रहा था शायद तंग ने गलत सुना है। फिर तंग तियान को कहते चुप रहो और एक भी बातें नहीं। तब जंगकुक भी कहते चुपचाप लेटे रहो देखो तुम्हारी मम कितनी ज़्यादा टेंशन में आ रहा है। तब तियान चुप हो जाता है और वो जो चुपचाप तंग के आर्म्स में लेटा रहता है। नेक्स्ट डे तियान पूरी तरह से ठीक हो गया था और इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था और जंगकुक उसके बाद तियान के साथ और भी ज़्यादा क्लोज होने की ट्राई करता है और जंगकुक बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो गया था और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था कि सच में तियान उसके साथ इतने ज़्यादा क्लोज हो गया है। जंगकुक जो तियान को सुला रहा था तब तियान जंगकुक की तरफ देखते हुए उसकी फेस को रफ करते हुए कहता है डैड अगर मेरी डैड कभी भी वापस आए और वो अगर अच्छा पर्सन नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक अपने काम भस में कहता है तुम्हें कि उसके पास वापस जाना है किसने कहा है कि तुम उसके पास जाओगे। तब तियान कहता है बट मुझे नहीं लगता वो पर्सन अच्छा होगा क्योंकि मम कहता है कि वो पर्सन के पास मम नहीं जा सकता है तो फिर वो शायद बैड पर्सन था। तब जंगकुक कहता है हाँ बैड पर्सन कभी भी हैप्पीनेस डिस्टर्ब नहीं करता है और इसी वजह से वो मेरे लिटिल प्रिंस को और मेरे लिटिल और एक प्रिंस को ऐसे ही छोड़कर चला गया है। तब ये सुनकर तियान कहते हैं हाँ उसने गलत किया है। तब जंगकुक कहते हैं मैं गलत नहीं किया हूँ मैं कैसे मेरी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नेफ्यू को अब सोच सकती हूँ। तब तियान स्माइल करता है और कहते हैं थैंक यू डैड हमारे साथ रहने के लिए। तब जंगकुक सिर्फ आँख कह देता है। फिर तंग जो कुछ मिनट बाद जब फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है तब वो आकर तियान की दूसरी साइड लेट जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है जिसके आर्म्स में तियान पीसफुल सो रहा था। तब तंग जंगकुक को एक बार कहते तुम कंफर्टेबल हो ही क्योंकि उस सच में ही आपके बहुत ज़्यादा क्लोज चला गया है। तब जंगकुक कहते मैं फुल कंफर्टेबल हूँ। तब तंग हमें अपना सिर हिला देता है और
वो जब सोने की ट्राई करता है तभी जंगकुक की फ़ोन रिंग होने लगता है। तब जंगकुक जो बेड से उठ नहीं पा रहा था क्योंकि तियान उसके आर्म्स में था और जंगकुक की हैंड पर तियान की सिर था। तब तुरंत जंगकुक उस पर करके तियान को कहते तुम क्या कॉल को अटेंड कर सकते हो प्लीज़, पर उसकी पहले मुझे बोलो कौन कॉल किया है। तब तंग हाँ कह देता है और वो बेड से उठकर जंगकुक के साथ जाता है जहाँ पर नाइट स्टैंड रखा हुआ था। फिर वहाँ पर तंग पहुँचने के बाद फोन को उठा लेता है और देखता है कि जंगकुक की फ्यूंस से था। तब तंग अपने काम व्यस्त में कहते हैं योंग ये आपकी फ्यूंस है। तब जंगकुक कहते हैं कॉल को कट कर दो और एक काम करो तुम उसे ब्लॉक कर दो। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते पर क्यों। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं बस उसे कर दो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए तुरंत उसे ब्लॉक कर देता है और चुपचाप आकर फिर से लेट जाता है। तब जंगकुक जो तंग को कहता है अब सो जाओ अब कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब तंग हाँ कह देता है और वो एक पिलो को हक करके जंगकुक की तरफ अपने बैग देकर सो जाता है। तब जंगकुक जो तियान की तरफ देखता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और अपने मन में कहता है कौन ऐसा पर्सन हो सकता है जो मेरी नेफ्यू को मेरे पास से दूर करने के बारे में सोच सकता है। मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। तंग के सनम मेरा भी है और मैं उसे कभी भी मेरे पास से दूर नहीं जाने दूंगी चाहे जो क्यों ना हो जाए। उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो कहता है कि मैं मेरी नेफ्यू को ये बोलूँ कि वो मुझे डैड ना बुलाए। उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आता है। मेरी नेफ्यू मुझे जो चाहता है वो बुला सकता है। वो सिर्फ मेरी नेफ्यू नहीं बल्कि मेरा सन भी है। तो फिर उसकी हिम्मत कहाँ से आता है। वो इससे भी ज़्यादा बैड डिजर्व करता है। वो अगर फिर से अपने लिमिट को क्रॉस किया तो फिर मैं शादी को भी कैंसिल कर दूँगी। और जंगकुक इसके साथ अपने नाइस को रोल कर लेता है और तियान की तरफ फिर से देखता है और पॉय से ब्लू से हक करते हुए कहते हैं तुम सिर्फ मेरा सन हो ओनली माई सन और तुम्हें मेरे पास से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और तंग मेरे जितने भी ज़्यादा लिटिल ब्रदर क्यों ना हो मैं क्या नहीं करती हूँ पर तुम सिर्फ मेरा सन बनकर रहोगे। और ये कहने के बाद जंगकुक स्माइल करता है और वो खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे जब जंगकुक डोरबेल की साउंड सुनता है तब जंगकुक तुरंत जाकर डोर को ओपन करने के लिए चला जाता है और डोर को ओपन करके देखता है कि उसके सामने एक अननोन पर्सन था। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर उस पर्सन को कहता है तुम कौन हो। तब तुरंत वो पर्सन अपने काम भस्त में कहता है मैं तंग के बॉयफ्रेंड हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में तभी उसे जोर से एक पंच मार देता है। तब वो पर्सन शॉक हो जाता है वो सिर्फ अभी आया था और उसे अभी पंच से स्वागत किया जा रहा था। तब वो शौक होकर कहते तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत तुम कैसे मुझे पंच मार सकते हो। तब जंगकुक गुस्से से कहते और तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरी तंग को हर्ट करने की हिम्मत क्या हो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और जंगकुक इसके साथ उसे लगातार पंच मारने लगता है। तब वो फोर्सफुली जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश कर देता है और हेवी ब्रीथ लेते हुए कहते हैं स्टॉप इट पहले चलो बातें करते हैं। तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं क्या बातें करेंगे तुम मेरी तियान को इतनी ज़्यादा हर्ट किया हो वो किस तरह से बड़ा हुआ है तुम्हें पता भी है वो कभी भी अपने डैड को नहीं देखा है वो उसके लिए क्रेजी हो और तुम भाग गए थे तुम उसके बाद वापस आकर अब क्या चाहते हो। और जंगकुक उसके बाद उसे फिर से पंच मारने के लिए चाहता है। तब वो तुरंत कहते हैं यू डम मैं तियान की डैड नहीं हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और रुक जाता है और अपनी काम वॉइस में कहते तो फिर तुम कौन हो। तब तुरंत वो पर्सन कहता है मैं तंग की पहले तो फ्रेंड हूँ और उसके बाद मैं उसके बॉयफ्रेंड बनूंगी इसी वजह से मैं ये कहा था कि मैं उसकी बॉयफ्रेंड हूँ पर अब तक हम लोग नहीं बने हैं और तियान मुझे जानता है हम लोग कोई भी फादर और सन नहीं है। तियान सच में मेरा कुछ भी नहीं है मुझे आज तक पता नहीं है कि उसकी रियल डैड कौन है और तुम मुझे यहाँ पर मार रहे हो। तब जंगकुक एक लंबा सांस लेता है और कहते तुम सच कह रहे हो। तब तुरंत दो पर्सन कहते हैं हाँ मैं सच कह रही हूँ मुझे और मत मारो अगर सच में ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर तो फिर तुम तंग को कॉल कर सकते हो वो तुम्हें ज़रूर बोलेगा। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ते हुए तंग को बुलाता है। तब तंग जब नीचे आता है तब वो अपनी फ्रेंड बोगम को इस हालत में देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तंग सीधा जाकर उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ है तुम्हें किसने इस तरह से मारा है। तब बोगम जंगकुक की तरफ हाथ उठाता है और कहते हैं उसने मुझे मारा है बेबी बॉय तुम जानते हो वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है मैं इसमें अब क्या करूँ देखो मेरे फेस में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तब
तंग उसकी फेस को सॉफ्टली टच करता है और कहता है, ह्योंग प्लीज आओ, मैं तुम्हारी कटे हुए जगह पर मेडिसिन अप्लाई कर देती हूँ, तुम्हारे लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग हो रहा है। तब ये सुनकर बुगम कहते, सिर्फ मुझे एक किस दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तंग एक लंबा सांस सोते हुए कहते हैं, ह्योंग प्लीज। तब बुगम स्माइल करता है और उसके बाद वो तंग के साथ अंदर चला जाता है। तब जिनको गुस्से से अपने हाथ मुट्ठी में बदल कर रखा था और अपने मन में कहता है, ये बबल गम कहाँ से आ गया है, सच में मैं इसे मारना चाहती हूँ। और ये कहने के बाद जंगू की एक लंबा सांस तोड़ता है और अपने आइस को रोल करते हुए सीधा घर के अंदर आ जाता है। तब वो देखता है तंग बुगम की लिप्स के कॉर्नर को मेडिसिन से क्लीन कर रहा था। तब जंगू कहता है, इसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो और उसके बाद वो मर जाए, हेल में चले जाए। तब तुरंत तंग कहता है, ह्योंग इस तरह से बातें करना ठीक बात नहीं है। तब जंगू कहता है, तो फिर कौन सी बात ठीक बात है। तब तंग सिर्फ जंगू की तरह पर एक बार अपने देता है इसके साथ देखता है। तब जंगू शांत हो जाता है। तब तेन जो हॉल रूम में दौड़ते हुए आ जाता है। तब वो बुगम को देखकर स्माइल करता है और कहते हैं, हेलो अंकल, अब कैसे हैं। तब तुरंत बुगम कहते हैं, मैं ठीक हूँ और बोलो तुम कैसे हो, पर तुम जानते हो तुम्हारी इस अंकल ने मुझे मार मार के मेरी हालत बहुत ज़्यादा बैड कर दिया है। तब तंग ये सुनकर हंस रहा था। तब तुरंत तेन जंगू के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, बट डैड अच्छा है। तब ये सुनकर बुगम शॉक हो जाता है और तंग की तरफ शॉक होकर देखता है। तब तंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और तंग तुरंत कहता है, नो ह्योंग अब गलत सोच रहे हैं, असल में कुकी ह्योंग को ये पसंद है कि तेन उसे डैड बुलाए, इसी वजह से वो डैड बुला रहा था और कुछ भी नहीं। तब बुगम इस बार तेन और जंगू दोनों की तरफ देखता है। तब बुगम अपने आईब्रोज रेस्ट कर लेता है और उन दोनों की तरफ ही घूरने लगता है, सेम आइज, सेम लिप्स और सेम बने टीथ, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंट था कि जंगकुक से भी ज़्यादा तेन ब्यूटीफुल था और सिर्फ तेन के फ्लपी सीख था जिस वजह से उसे और भी ज़्यादा क्यूट दिखाई देता है। पर बुगम 100% श्योर है कि वो बड़े होने के बाद जंगकुक की तरह ही हैंडसम बनेगा, पर वो कॉन्फ्यूज है, अगर ये तंग की सन है तो फिर जंगू की तरह क्यों दिखाई दे रहा है। तब वो तंग की तरफ देखता है। तब तंग तुरंत कहते, ह्योंग हो गया है। तब बुगम तंग के हाथ को पकड़ते हुए कहते, मुझे तुम्हारे साथ इम्पोर्टेंट बातें करना है। तब जंगू गुस्से से कहते हैं, यहाँ पर ही बोलो। तब बुगम कहते, चुप रहोगे तुम। तब जंगू कहते, तुम चुप रहोगे वो बबल गम, चुपचाप मेरे घर से निकाल जाओ। तब तंग कहता है, ह्योंग मैं उसे आपकी शादी के लिए इन्वाइट किया हूँ। तब ये सुनकर जंगू कहते, बट उसे क्यों, मैं कहा था तुम्हारी फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए, कोई जंगली जानवर को नहीं। तब तुरंत बुगम कहते, ओ मिस्टर, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, इस तरह से अपनी जेलसी को मेरे ऊपर मत निकालो कि मैं तंग के जल्द ही बॉयफ्रेंड बनूंगी। तब तंग कहते हैं, ह्योंग। तब बुगम कहते, इट्स ओके बेबी बॉय, मुझे पता है तुम मुझे जल्द ही एक्सेप्ट करोगे। तब जंगू गुस्से में कहते, बाहर निकल जाओ मेरे घर से। तब तंग कहते, प्लीज ह्योंग, मुझे बुगम ह्योंग के साथ बातें करना है, अगर बुगम ह्योंग कह रहा है तो फिर ये ज़रूर इम्पोर्टेंट होगा। तब जंगू लंबा सांस सोते हुए कहते हैं, मैं तेन को लेकर ऊपर जा रही हूँ, जल्दी से बातें ख़त्म करो, मैं इस बबल गम को लाइक नहीं करती हूँ। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो बुगम को कहते, क्या हुआ है ह्योंग। तब बुगम सिर्फ ऊपर की तरफ देखने लगता है, जहाँ से जंगू जा रहा था तेन को अपनी गोद में लेते हुए और उसके साथ बातें कर रहा था और हंस रहा था। तब तुरंत बुगम तंग को कहते हैं, मुझे आंसर करो, तेन की डैड कौन है। तब तुरंत तंग कहते हैं, ह्योंग अब क्या कहना चाहते हैं। तब बुगम कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो जंगूक है। तब तंग की हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और तुरंत कहते हैं, नो ह्योंग ऐसा कुछ भी। तभी बुगम उसे काट देता है और कहते, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो तंग। फर्स्ट बात मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, उन दोनों की फेस बहुत ही इसीलिए मैस हो रहा है और तुम दोनों ब्लड रिलेटिव फादर भी नहीं हो, तो फिर ये कोई भी ऑप्शन ही नहीं रहता है कि कहीं ना कहीं से जाकर उसकी फेस और तुम्हारी सन की फेस जाकर मिल जाएगा, ये तभी मिल सकता है अगर वो तुम्हारी सन की डैड हो, तो फिर कैसे हो गया। तब तंग नीचे की तरफ सिर्फ देखने लगता है। तब बुगम कहते, तो फिर सच है तुम्हारी ब्रदर के साथ तुम इंटीमेट हुए थे। तब तंग कहते, प्लीज़ मुझे हेट मत करना, आई नो कि सब लोग इसे बहुत ही ज़्यादा हेट तरीके से देखते हैं,
पर क्यों सब लोग ये नहीं समझते कि हम लोग रियल ब्रदर नहीं हैं? तब बोगम कहते हैं, आई नो, मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें सच में समझना चाहिए, वो तुम्हारी योंग है। तब तुम निश्चय की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब भी सेम लोगों की तरह ही समझ रहे हैं, आप मेरी फीलिंग को समझ नहीं रहे हैं, मैं स्मॉलेस्ट सोर्स के लिए फीलिंग रखती हूँ। तब बोगम ने सुनकर तंग को कहते, तो फिर उससे बोल क्यों नहीं रहे हो कि त्यान तुम्हारे योंग की ही सन है? तब तंग एक ब्रोकन स्माइल के साथ बोगम की तरफ देखता है और उसकी आईज रेड थम। तब बोगम तंग को तुरंत हग कर लेता है और कहते, रोना मत। तब तंग उस पर करके कहते हैं, अगर मैं उससे बोला तो फिर योंग मुझसे और भी ज़्यादा हेट करेगा, आपको पता है सब लोग इसे हेट करते हैं, और योंग भी मुझसे हेट करेगा, और उसके बाद योंग मुझसे कभी भी मिलने के लिए भी राजी नहीं होगा। कम से कम योंग उसे खुद के सन की तरह तो देख रहा है, मैं इससे हैप्पी हूँ। आई नो कि योंग की जब खुद की चाल आ जाएगा तब योंग उसे भूल जाएगा, पर कोई बात नहीं, मैं मेरी लाइफ में मेरे सन के साथ हैप्पी हूँ। मैं कभी भी योंग को इस बारे में नहीं बोलूँगी, मैं मेरी लिटिल हैप्पीनेस के साथ ही ऐसे ही रहूँगी। और तंग इसके साथ और भी ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है। तब बोगम इसे देखकर, जो उसे भी बहुत ज़्यादा बैड फील होता है, तब बोगम कहता है, तो फिर तुम इसी वजह से मुझे यहाँ पर बुलाए थे, ये सारे बातें करने के लिए, तो सच में शादी के लिए? तब तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ यहाँ पर आने के बाद एक ड्रीम देखा था जहाँ पर योंग आपको देखकर जिलस फील कर रहा था, क्योंकि आप मेरे ड्रीम में बोल रहे थे कि आप मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं, इसी वजह से मैं आपको कॉल करके बोला था कि यहाँ पर आने के बाद मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए आपको एक एक्टिंग करना होगा, बस इतना ही, आई एम सॉरी योंग, इस वजह से आपको बहुत ही बैडली हर्ट किया है। तब तुरंत बोगम कहते, तो फिर तुम मुझे एक सारा बना रहे हो, अगर मैं उस मॉन्स्टर के हाथ में मर जाता तो फिर क्या होता? उसके पास एक सुपरमैन की तरह बहुत ज़्यादा पावर है, अगर मैं मर जाता तो? तब तुरंत तंग कहते हैं, योंग ऐसा नहीं होगा। तब बोगम कहते, ओके, अपने ड्रीम के बारे में बोलो, आई थिंक वो वर्क कर रहा था, क्योंकि मैं देखा था वो अपने हाथ मुट्ठी में बदल कर रखा था। तब तंग के फेस पर एक ब्राइट स्माइल आ जाता है और तुरंत कहते, क्या सच में योंग जेलस फील कर रहा था? तब बोगम कहते, इतनी ज़्यादा होप मत करो, सिर्फ मुझे बोलो कि क्या क्या हुआ था। तब तुरंत तंग कहते हैं, योंग जेलस था, और उसके बाद योंग मुझे बोला कि योंग मेरे साथ रहना चाहता है, मुझसे शादी करना चाहता है, पर उसके बाद मेरी ड्रीम टूट गया था, बस इतना ही। तब बोगम ने सुनकर कहते, तो फिर आई थिंक हम लोग को और भी ज़्यादा एक्टिंग करना होगा, चलो एक काम करते हैं, मेरे पास बहुत सारे प्लान हैं, मैं ज़रूर तुम्हारे योंग को तुम्हारे प्यार में पड़ा करी रहूँगी। तब तुरंत योंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते हैं, योंग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो जल्दी ही शादी करेगा और उसके बाद मैं भी चले जाऊँगी। तब बोगम कहते, तो फिर क्या हुआ, तुम जाओगे तो फिर क्या हुआ, और उसकी शादी नहीं होगा, उसके पहले हम लोग कुछ करेंगे। तब तंग ये सुनकर कहता, आपके पास कोई प्लान है? तब तुरंत बोगम कहता, ऑफकोर्स मेरे ब्रेन में बहुत सारे प्लान है कि कैसे दो लव बर्ड्स को एक साथ कराना है। तब ये सुनकर तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर तंग जो बोगम को कहते, थैंक यू योंग मुझे हेल्प करने के लिए, राजी हो जाने के लिए। तब तुरंत बोगम कहते, तुम्हारे लिए तो कुछ भी, मैं देखो इतनी सारा पंस भी खा लिया हूँ, पता नहीं अगर मेरी वाइफ मुझे इस हालत में देख लेगा तो फिर वो क्या सोचेगा कि शायद मैं कहीं से जाकर अब लूट करके आई हूँ। तब तुरंत तंग कहता है, ऐसा नहीं होगा, यूनी ऐसा कभी भी नहीं सोचेगा। तब तुरंत बोगम कहता है, जो भी हो मुझे अब एक रूम दिखाओ, मुझे रेस्ट भी लेना है, मैं कल से तुम्हारे बारे में ज़रूर कुछ करना स्टार्ट करूँगी और मेरे साथ एक लवबर्ड बनने की ट्राई करो, ठीक है? तब तुरंत तंग हाँ कह देता है और उसके बाद तंग बोगम को लेकर उसके रूम में चला जाता है और बहुत टाइम तक उसके साथ बातें करने लगता है और बोगम उसे प्लान समझाने लगता है। तब जंगकुक जो पर अपने रूम में त्यान के साथ था और वो जो पाउट करते हुए कहता है, तुम्हारी मम अब तक क्यों नहीं आया है? तब तुरंत त्यान कहते हैं, मम बोगम अंकल के साथ बातें कर रहा है। तब जंगकुक कहता है, तुम उसे अंकल ही मानते हो ना? तब त्यान हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है, तुम्हारी डैड कौन है? तब तन स्माइल करते हुए कहता, आप हैं? तब जंगकुक कहते, गुड बॉय, और अब तुम्हें डैड की एक बात को सुनना होगा। तब तुरंत त्यान कहते, डैड मुझे जो भी कुछ बोलेगा मैं हर एक चीज़ करने के लिए राजी हूँ। तब जंगकुक की फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और वो
त्यान के कान के पास को सुस्पर करने लगता है। तब त्यान जो ये सुनकर उसके फेस पर भी एक बनी सा स्माइल आ जाता है और वो जंगू की तरफ देखता है। तब जंगू स्माइल करते हुए कहते हैं, आर यू एक्साइटेड? तब त्यान स्माइल करते हुए हम अपने सिर लाने लगता है। तब जंगू किसे देख कर स्माइल करता है और कहते हैं, बोगो मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक यहाँ पर टिक जाते हो। अब मेरी सन और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर खातिरदारी करेंगे। और तभी त्यान भी कहते हैं, हाँ डैड, हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से उन लोगों की खातिरदारी करेंगे। तब जंगुक सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।